अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी किचन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एयर फ्रायर का रिव्यू। और मैंने एयर फ्रायर लिया है लाइफ लॉन्ग का, तो इसका भी मैं आपको रिव्यू दिखा देती हूँ कि कैसा है ये। मैंने इसको यूज़ किया है और मैं क्या एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इस एयर फ्रायर को लेकर, चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने एयर फ्रायर लिया था और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शकरकंद है। शकरकंद को मैं इसमें रोस्ट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको यूज़ किया था और ये मेरे कितने काम आता है और काम आ रहा है। तो मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि ताकि आपको भी अगर ज़रूरत हो तो आप ले लें ये। तो यहाँ देखिए, मैं इस तरह से शकरकंद को बीच से कट करके डायरेक्ट इसमें रख दूँगी और इसको इस तरह से, ये बॉक्स होता है, उसमें स्टैंड होता है, उसमें आप रख दें जो भी आपको रोस्ट करना है, बनाना है। और यहाँ देखिए टाइमर होता है, यहाँ जो घड़ी की तरह बना है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से टाइमर लग गया। आपको 25, 24 जो भी टाइम सेट करना है, माइनस प्लस कर लीजिए। उसके बाद से ये देखिए हमारा जो ये चलने लगा है टाइमर, और जो है कुकिंग प्रोसेस चलने लगा है अंदर। तो यहाँ भी देखिए ये ऑटोमेटिक है अपना, बस स्टार्ट किया और ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज़ें बन सकती हैं, सारा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे देख के आराम से आप टाइम सेट कर लें कि फ़िश कितने देर में होता है, चिकन कितने देर में हो पकता है और बेकिंग कितने टाइम में होती है। तो बेकिंग के लिए 15 से 18 मिनट है, लेकिन मैंने यहाँ पर 24 मिनट के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से बेक हो जाए, क्योंकि शकरकंद है तो टाइम लेता है पूरा। तो मैंने इसको लंबे टाइम के लिए रखा है 24 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए लाइफ लॉन्ग का है ये, और मुझे तो यूज़ करने में इसको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आराम से मैंने इसमें कुक किया है शकरकंद को। ये देखिए बिल्कुल अपने टाइम पर ये कुक होकर रेडी हो गया है। आप निकाल के चेक कर लें, ये देखिए कितनी आसानी से ये छिलका रिमूव हो जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से गल भी गया है। तो इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है ये। मेरे तो बहुत ज़्यादा काम आया है। और कोई भी और भी चीज़ें आप बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं कम ऑयल में। तो एयर फ्रायर जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हर घर में होना चाहिए, हमारे वहाँ तो है। और हमारे वहाँ ये लाइफ लॉन्ग का आया तो हमने कहा ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।